पूजा होती है ना, अब आने वाली है दुर्गा पूजा, उसके बाद दीपावली में लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं। तो जो लक्ष्मी की दुर्गा की मूर्ति बनती है उसमें आपने देखा होगा लक्ष्मी जी की मूर्ति के बगल में उल्लू बना रहता है, बना रहता है नहीं बना रहता। जब लक्ष्मी जी की अकेले मूर्ति होती है बिना नारायण के तो उनका वाहन क्या होता है, बोले उल्लू। लक्ष्मी जी जब अकेले जाती हैं तो उल्लू पर बैठ कर जाती हैं, और जब नारायण के साथ जाती हैं तब गरुण पर बैठ करके जाती हैं। भगवान गरुण वाहन, गरुण पर बैठ करके लक्ष्मी जाती हैं भगवान नारायण के साथ। और गरुण कौन है, बोले गरुण वेदात्मा है। वेदात्मा विहगेश्वरो यवनिका माया जगन्मोहिनी, गरुण वेदात्मा है, ज्ञान स्वरूप है। गरुण भगवान के परम भक्त हैं, वाहन हैं, भगवान के परिकर हैं। तो नारायण के साथ जब लक्ष्मी आती हैं तो गरुण पर बैठ कर आती हैं, और जब अकेले आती हैं तब उल्लू पर बैठ करके आती हैं। इसका मतलब अकेले लक्ष्मी को बुलाओगे तो लक्ष्मी तुमको उल्लू बना करके चली जाएगी, तुमको उल्लू बना करके चली जाएगी और तुम कुछ नहीं कर सकते। और नारायण के सहित लक्ष्मी आएंगी तो तुमको गरुण बना देंगे। गरुण कौन है, बोले भगवान के वाहन हैं गरुण जी महाराज, वेदात्मा हैं। गरुण जी जब चलते हैं तो उनके पंख से वेद के मंत्र प्रकट होते हैं, गरुण जी महाराज जब चलते हैं तो उनके पंख से वेद की ध्वनि प्रकट होती है, सामगान होता है। गरुण जी महाराज वेदात्मा है। निखिल वेद नीडाधिरूढ़ द्विशत कंठनोत्कंठ पीडी कृतस्कंद मीडे, वो गरुण जी महाराज। तो अकेले लक्ष्मी जो है वो सुख नहीं देती, लक्ष्मी भी भगवान के चरणों को अपना धन समझती, इसलिए इस बात को हमें भी समझना चाहिए। लेकिन ये बात कहाँ समझ में आएगी, जब कथा में आओगे तब समझ में आएगी, घर बैठे थोड़ी आएगी। इसीलिए कथा सुनी जाती है, कथा में सारे रहस्य पता चलते हैं। तो भगवान के चरणारविंद ही परम धन है, लक्ष्मी भी जिनके चरणों को अपना धन मानती है उन भगवान को कोई क्या खरीद पाएगा, कोई पैसा से खरीद सकता है? क्या दोगे भगवान को, तुम क्या दे सकते हो? एक भक्त कहता महाराज मैं क्या दूं आपको, रत्ना करोस्ति सदनम गृहिणी च पद्मा। आपका घर कहां है, रत्नाकर, रत्नाकर माने समुद्र, समुद्र में भगवान रहते हैं क्षीर सागर में, और समुद्र क्या है, बोले रत्नों का आकर है, सारे रत्न उसी में। कौन सा रत्न दोगे भगवान को, हीरा पन्ना पोखरा सब भरा है समुद्र में पहले से, उसी में रहते हैं भगवान। तो भक्त कहता है रत्नाकरोस्ति सदनम, रत्नाकर ही आपका सदन है, आपका घर है। गृहिणी च पद्मा, और लक्ष्मी आपकी गृहिणी है। किम देयमस्ति बदमे जगदीश्वराय, हे जगदीश्वर मैं आपको क्या दूं, आप ही बताओ आपको क्या दूं। रुपया तो मैं दे नहीं सकता क्योंकि आपके पास लक्ष्मी बैठी। हीरे पन्ने पोखराज मैं क्या दूं, आप समुद्र में हो और समुद्र रत्नाकर है। तो भगवान कहते हैं मुझे कोई वस्तु मत दो, तुम अपने आप को ही मुझे दे दो, मैं तुमको चाहता हूं, तुम्हारी वस्तु नहीं चाहता। वास्तव में भगवान तुम्हें चाहते हैं, तुम्हारे धन को नहीं चाहते। लोग सोचते हैं महाराज हम अपने आप को भगवान को न दें और क्या दें, बोले भगवान को एक लोटा पानी दे दें, दो चार फूल चढ़ा दें, एक अगरबत्ती लगा दें। भगवान तुम्हारे अगरबत्ती और एक लोटा पानी और वो सिंदूर के टीके के भूखे नहीं है, समझो। लोग क्या करते, बोले मंदिर में गए, एक लोटा पानी ढारा, दो चार मिश्री चढ़ाई, दो चार किशमिश के टुकड़े चढ़ाए, एक अगरबत्ती लगाई और भगवान को प्रणाम किया और चले आए। भगवान कहते हैं ये सब देने के लिए हम यहाँ बैठे, ये हमको ला करके दे रहा, मैं तो इसको चाहता हूँ ये मुझे मिल जाए, ये जीव मेरा है। गीता में भगवान कहते हैं ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन, ये जितने जीव है मेरे हैं, लेकिन ये मुझे अपना न मानकर अपने आप को मुझे न दे करके ये अपने आप को संसार को दे रहा है और कह रहा है कि हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं। एक बार भी ये नहीं कहता कि हम तुम्हारे हैं,
हम भगवान के सामने जाते हैं तो कभी नहीं कहते हे प्रभु हम आपके, संसार के प्राणियों से कहते फिरते हैं हम आपके, जिससे मिलते हैं कहते हैं हम तो आप ही के हैं। और तो और संसार के एक एक प्राणियों से व्यक्ति कहता अरे ये तो हमारे प्राण हैं, ये तो हमारे प्राण प्रिय हैं, ये तो हमारे प्राण हैं। और जब दूसरे से मिलेगा तो उससे भी यही कहेगा ये मेरे प्राण हैं, ये तो भगवान की कृपा समझो कि ये भीतर वाला प्राण नाराज नहीं होता, नहीं ये नाराज हो जाए कहे यही तुम्हारे प्राण है तीन के लेकर रहो हम तो चले, तब तो राम नाम सत्य हो जाए। लेकिन ये संसार अज्ञान से चलता है, यही अज्ञान है। कहता महाराज ये हमारे हैं ये हमारे हैं, और भगवान को कोई नहीं कहने को तैयार है कि आप हमारे हो। भगवान तुमसे यही सुनना चाहते हैं कि तुम ये कहो प्यार से कि हे प्रभु मैं आपका हूं। और यही वाल्मीकि रामायण का सार है महाराज, एक लाइन कहूंगा बस। भगवान ने समुद्र के तट पर, समुद्र के तट पर भगवान ने लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों बंदरों के बीच में, देवता लोग आकाश में खड़े थे, विभीषण जी उसी समय शरणागति करने के लिए आ रहे हैं अर्धरात्रि में जब रावण ने लात मार करके निकाल दिया। क्यों लात खानी पड़ी विभीषण को? क्योंकि अभी तक विभीषण यही कहते थे मैं रावण का हूं, मैं मंदोदरी का हूं, मैं इनका हूं। विभीषण जी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान का हूं। परिणाम क्या मिला? बोले उन्हीं संसार के लोगों ने लात मारा, यही संसार है। संसार को तुम अपना कहते रहोगे और यही संसार तुमको एक दिन लात मारेगा, पक्की बात। जब उसका स्वार्थ पूर्ण हो जाएगा तुम्हें लात मार देगा। समय रहते भगवान को अपना बना लो। विभीषण जी महाराज लात खाए, रावण ने लात मारी, विभीषण जी चल पड़े, भगवान की शरण में मुझे जाना चाहिए। उत्पपात गदा पाणि चतुर्भिस्सह राक्षसैः, चार राक्षसों को लेकर अर्धरात्रि में विभीषण जी महाराज लंका से चल पड़े, आकाश मार्ग से समुद्र तट पर आए। बानरों ने देखा, पकड़ लिया, बोले पकड़ो पकड़ो। विभीषण जी ने कहा मैं प्रभु श्री राम की शरण में आया हूं। भगवान से निवेदन कर दो मैं उनकी शरणागति करने आया हूं। विभीषण ने कहा कि मेरा परिचय दे देना। क्या परिचय? तो विभीषण जी कहते हैं रावणो नाम दुर्वृत्तो राक्षसो राक्षसेश्वरः। रावण नाम का जो दुर्वृत्त दुराचारी लंका का राजा है, तस्याहम अनुजो भ्राता, मैं उसका छोटा भाई हूं। लात खाने के बाद भी अभी उस संबंध को भूल नहीं रहे, अभी भी यही बता रहे हैं कि हम उसके भाई। लेकिन यहां पर एक दूसरा भाव भी है। भाव यह है कि विभीषण जी महाराज की यह दैन्यता है, अपनी दीनता बता रहे हैं, जिससे हृदय में अभिमान ना आवे। दृष्टि यह है विभीषण जी की। विभीषण जी कहते मैं रावण का भाई हूं और मैं राम जी की शरण में आया हूं, सर्वलोक शरण्याय राघवाय महात्मने। समस्त प्राणियों के जो शरण्य हैं, शरणागत वत्सल हैं, उनकी शरण में मैं आया हूं, मेरा निवेदन कर दो। राक्षस बानरों ने कहा इसको पकड़ो और पकड़ करके बांधो, सवेरे राम जी के दरबार में उपस्थित करेंगे। तब तक भगवान ने सुन लिया। सुग्रीव जी पहुंचे और सुग्रीव ने कहा महाराज वो रावण का भाई आया है, हो सकता है वो कपट करके आया हो, शत्रु का भाई है, विश्वास करने लायक नहीं है, राजनीति यही कहती है, क्या करें। और अगर विश्वास करके उसे स्वीकार कर लिया तो कहीं निशाचर की माया को तो कोई जान नहीं सकता, विभीषण भी निशाचर ही, कुछ उत्पात कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा, इसलिए विभीषण पर विश्वास करना ठीक नहीं है। तब राम जी ने कहा सुग्रीव से, सुग्रीव आज राम जी अपने में आ गए महाराज, ठाकुर जी लीला करते करते भी कभी कभी अपने स्वरूप में स्थित हो जाते। भगवान ने कहा सुग्रीव
ये तुम्हारे भरोसे हमने रावण से शत्रुता ली है, तुम क्या समझते हो? ये तुम्हारे इन बंदरों के भरोसे हम रावण से युद्ध करेंगे? तुम्हारे भरोसे मैं रावण से युद्ध नहीं करूंगा। भगवान मानो सुग्रीव को स्मरण दिलाना चाहते, तुम वही तो सुग्रीव हो जो बाली के डर से गली गली भागते फिर रहे थे। तुम अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे थे बाली से, मैंने ही बाली को मार करके तुमको निर्भय किया, तो मैं तुम्हारे भरोसे हूं, ये मत सोचना। और रही बात राक्षसों की, तो राम जी ने वहां पर अपना स्वरूप प्रकट कर दिया। राम जी ने कहा, सुग्रीव पिशाचान दानवान कूरान पृथिव्याम चैव राक्षसान अंगुल्यग्रेण ताम हन्यम इच्छन हरि गणेश्वर। हे बानर राज सुग्रीव, इस पृथ्वी पर जितने निशाचर हैं, जितने पिशाच हैं, जितने दानव हैं, पिशाचान दानवान क्रूरान, जितने भी दानव पिशाच राक्षस हैं, अंगुल्यग्रेण ताम हन्यम इच्छन हरिगणेश्वर, हे सुग्रीव मैं उन समस्त राक्षसों को, पिशाचों को अपनी अंगुली के अग्रभाग से मार सकता हूं। ये मत सोचना कि तुम्हारे भरोसे हमने ये शत्रुता मोल ली है। भगवान कहते हैं मैं तो उनको अपने अंगुली के अग्रभाग से मार सकता हूं। अंगुली के अग्रभाग से किसको मारा जाता है? अंगुली के अग्रभाग में क्या होता? बोले नख होता है। और नख से किसको मारा जाता है? बोले सबसे क्षुद्र जीव को नख से मारा जाता है। सबसे क्षुद्र जीव कौन होता है? बोले जब व्यक्ति शरीर की सफाई न करे तो बाल में और कपड़े में चीलर पड़ जाते हैं, जुआ पड़ जाता है। और जुए को कहां मारा जाता है? जुआ के लिए कोई बंदूक लाई जाती क्या? जुआ के लिए कोई तलवार लाई जाती है क्या? तो माताएं तो बहुत अच्छे से जानती होंगी क्या मारा। धीरे से इसे निकालें और चट्ट से काम खत्म है। अंगुल्यग्रेण ताम हन्यम इच्छन हरि गणेश्वर। अंगुली के अग्रभाग से जैसे एक नन्हे से जीव को, चीलर को, जू को व्यक्ति मार देता है चुट्ट से, उसको मारने में कोई श्रम नहीं होता। भगवान कहते हैं ये राक्षस पिशाच दानव मेरे लिए जुए के समान। अंगुल्यग्रेण ताम हन्यम इच्छन हरिगणेश्वर, इसलिए डरो मत, जाओ विभीषण को ले आओ। सुग्रीव ने कहा महाराज अगर वो रावण ही कहीं विभीषण के रूप में भेष बदल के आया हो तब क्या हो, क्योंकि माया भी है राक्षस। भगवान ने सुग्रीव से कहा रे सुग्रीव यदि वा रावण स्वयं, स्वयं रावण ही आया हो तो कोई बात नहीं, ले आओ मेरी शरण में, आने दो, कोई चिंता नहीं, ये रघुनाथ जी है महाराज, ऐसे ऐसे राजाधिराज। भगवान श्री राम कहते हैं ले आओ। उभय भांति तेहि आनहु हसिकह कृपा निकेत जय कृपालु कहि कपि चले अंगद हनु समेत। अंगद को लेकर, हनुमान जी को लेकर के सुग्रीव जी चल पड़े लेने के लिए, विभीषण जी को लेकर के आए। उसी प्रसंग में भगवान श्री राम ने कहा सुग्रीव मेरी एक प्रतिज्ञा है। बोले क्या प्रतिज्ञा है? बोले एक बार कोई व्यक्ति मेरे सम्मुख आकर के कह दे तवास्मि, मैं आपका हूं। यही बात मैं कह रहा था ना कि भगवान के हो, ये बात भगवान से कहो कभी। ये वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। भगवान स्वयं कहते हैं रघुनाथ जी कि सकृदेव प्रपन्नाय, एक बार प्रपन्न होकर मेरे सम्मुख आकर कोई प्राणी ये कह दे कि तवास्मि इति चयाचते, हे प्रभु मैं आपका हूं, बस तवास्मि इति, तव अस्मि इति, इति माने बस इतना ही कहना, इससे आगे नहीं कहने की जरूरत। ये राम जी की वाणी है, रामो दुर ना विभाषते, राम जी दो बार नहीं बोलते, एक बार जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। राम जी कहते हैं कि तवास्मि मैं आपका हूं, इति याचते ऐसी याचना कर ले, कह दे तो। भगवान कहते हैं अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम मे तद व्रतम मम, मैं उसको सारी दुनिया से अभय कर देता हूं, निर्भय बना देता हूं, ये मेरा व्रत है, ये मेरा नियम है। लेकिन कोई आकर के मेरे सामने कहे तो कि मैं आपका हूं। और विडंबना जीव की
कि जीव भगवान से ये नहीं कहता कि मैं आपका हूँ, जीव यही कहता मैं तो इनका हूँ, मैं तो इनका हूँ। अरे भगवान से भी एक बार कहो कि मैं आपका हूँ, भगवान ये सुनना चाहते हैं कि तुम सच्चे मन से कहो कि मैं हे प्रभु आपका हूँ। भगवान तुम्हारी अगरबत्ती और तुम्हारे फल फूल के भूखे नहीं हैं, वो तो केवल तुम्हारी भावना को व्यक्त करने का साधन मात्र है। असली भाव तो ये होना चाहिए हे प्रभु मैं आपका हूँ, और इस भाव से आप कुछ भी अर्पित करोगे तो फिर भगवान स्वीकार करेंगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प भी समर्पित करोगे तो भगवान स्वीकार करेंगे। लेकिन अपने आप को तुमने भगवान को नहीं दिया तो फिर कितना भी दुनिया की वस्तुएं देते रहो तुम्हारी उन वस्तुओं का भगवान की दृष्टि में कोई मूल्य नहीं। वो भगवान है, भगवान को कोई खरीद नहीं सकता। भगवान कहते हैं तुम केवल मुझे अपना बना लो। तुमने अपना मन सबको तन दिया, अपना धन दिया, तुम अपना तन भी संसार को दे दो, तुम अपना तन धन भी संसार को दो। भगवान कहते हैं न तुम्हारा धन हमको चाहिए न तुम्हारा तन हमको चाहिए। क्यों बोले, तुम्हारे धन और तुम्हारे तन को चाहने वाले संसार में बहुत से लोग हैं, और जिसको लोग चाहते हैं उसको मैं नहीं चाहता। भगवान कहते हैं प्रेम गली अति साकरी आमे द्वय न समाये। भाई जिसको तुम चाहो उसको हम भी चाहें, ऐसा कैसे हो सकता है। भगवान कहते हैं कि भाई तुम्हारे तन को दुनिया चाहती है तो दे दो तन दुनिया को, तुम्हारे धन को दुनिया चाहती दे दो दुनिया को, लेकिन तुम्हारे मन को कोई नहीं चाहता, तो वो मन तुम मुझे दे दो। और संसार में यही होता है, आपके धन को आपके तन को सब चाहता है, आपके मन को कोई नहीं चाहता। समस्या यही है। आज हम आप दुखी क्यों होते हैं किसी से, बोले इसीलिए दुखी होते हैं वो अपने मन की चाहता है, आप अपने मन की चाहते हो, ना आपके मन को वो चाहता है ना उसके मन को आप चाहते हो। आप चाहते हो हमारे मन की हो, वो चाहता हमारे मन की हो, कोई किसी के मन को नहीं चाहता, सब अपने मन की चाहते हैं, और धन और तन सब सबका चाहता है। भगवान कहते हैं जिस मन को तुम गली गली लेकर के घूमते रहे, अपना मन तुमने उनको दिया और सब ने क्या किया, बोले सब ने तुम्हारे मन को उठा करके कूड़ेदान में फेंक दिया। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे मन को लेकर के लोगों ने कूड़ेदान में फेंक दिया, और मैं पीतांबर फैला करके खड़ा हूं, तुम अपने मन को मेरी झोली में तो डाल दो। वास्तव में भगवान तुम्हारे मन को चाहते हैं मानसिक समर्पण, और ये मानसिक समर्पण हो जाए तो भगवान प्रसन्न है, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो भगवान को कोई वस्तु देकर के आप उनको खरीद नहीं सकते, आप अपना मन भगवान को दो बस। भक्तों ने बड़ा सुंदर कीर्तन किया, नृत्य हुआ, और उस कीर्तन में भगवान आए और भगवान ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए। तो सभी भक्तों ने यही मांगा कि हे प्रभु जैसे आज आप हमारे कीर्तन में आए, कहीं भी भक्त आपका कीर्तन करें आपका स्मरण करें तो आप उनके ऊपर ऐसी ही कृपा करना। इस प्रकार भक्तों ने जब वरदान मांगा तो भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो। इसलिए आज भी ये मान्यता है कि जहाँ भक्त कीर्तन करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, किसी न किसी रूप में भगवान वहाँ विराजमान रहते हैं, उन भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करते हैं।